मैं भी एक छोटे से जिम्मेदार किराने से ताल्लुक है, नाटक का भी जिम्मेदार है, तो हम एक दूसरे को जानते हैं कि दो चीजें हमें नहीं आ सकती मुल्तान में, एक अंग्रेजी और दूसरा आईटी, और ये दोनों चीजें हैं जिसमें हम दोनों थोड़ा थोड़ा सीख गए। बट एनीहाउ वी डन अ ग्रेट जॉब, बहुत जबरदस्त इवेंट और इतने जबरदस्त क्राउड इकट्ठा किया, इसके लिए मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ। तनवीर ने मेरा इंटरव्यू किया था ईशा में आज से तकरीबन कोई 6-8 महीने साल पहले, तो उसमें आउट ऑफ नोवेयर इसने सवाल पूछा कि अपना कोई यादगार वाकया सुनाए। तो मैंने वो एक पनाहगाह में गया था, एक तो भेस बदल के पूरा फटे हुए कपड़े पहन के, उसने कहीं से ये पढ़ के आया, मुझे अंदाजा नहीं था ये कहानी पूछेगा, तो मैंने उसको पूरी वो कहानी सुना दी कि किस तरह कपड़े फटे हुए थे, सर पे टोपी, जूती भी टूटी हुई थी और सवाल जवाब भी सारे, और अंदर लोगों ने जिस तरह मुझसे इंटरव्यू किया, मुझे अभी तक याद है कि बंदे ने मुझसे, मैंने उससे पूछा तुम क्या करते हो, उसने कहा दिहाड़ी करते हो, तो मुझसे उसने पूछा तुम क्या करते हो, मैं कहा मैं दर्जी का काम करता हूँ, ये शलवार देखिए मैंने खुद बनाई है। तो वो वायरल इतना एक हुआ कि एक दिन मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब के जो ब्रिटिश सेक्रेटरी है उन्होंने भी बताया कि वो पीएम ने देखा, तो मैंने कहा यार वैसे तुमने कमाल किया, इसका तो हमें भी अंदाजा नहीं दिया, तो तुम्हारी वजह से प्राइम मिनिस्टर को पता लगा कि मैं बना गया गया था उसमें। पिछले हफ्ते हमने एक यादगार इवेंट कराया था इस्लामाबाद में, नेशनल ई कॉमर्स का कन्वेंशन। हिशाम भाई आपने और आपकी पूरी टीम ने जिस तरीके से उस कन्वेंशन को कामयाब किया और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पूरे कन्वेंशन को पसंद किया था और जिस तरीके से उन्होंने अल्फाज में उसकी पजीराई की थी, वो शो करता है कि एक एफर्ट होती है उसकी, फिर एक्नॉलेजमेंट अगर आपका लीडर कर दे तो फिर आप उसका वैसे भी ना आपका दिल बड़ा हो जाता है, लेकिन आई मस्ट से कि आपकी और जुल्करना दोनों की मेहनत की वजह से इट वाज अचीव्ड एंड हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम। कुछ चीजें ऐसी थी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की थी जिसका अभी तनवीर ने जिक्र किया कि 1% का जो टैक्स है अगर आप पीएसएफ से रजिस्टर्ड होंगे तो वो वेव कर दिया जाएगा। तनवीर ने शायद मजाक में कह दिया कि इस तरह तो फिर आप हमें शायद फंसा रहे हो। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, 2022 मैं भी यही और आप भी, 2025 तक कम से कम फ्रीलांसर्स, रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स के ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक हम अपनी यूथ को, जो कि आप लोग हैं, यानी यू मेक 100 मिलियन आउट ऑफ 220 मिलियन, 10 करोड़ से ज्यादा आबादी कम से कम आप लोगों की है, अगर आप लोगों को सर्टेनिटी हम नहीं दे सकते, आप लोगों को ये नहीं बता सकते कि हमारी कौन सी पॉलिसी कब तक है, हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। इतनी बड़ी यूथ को शायद उठाने के लिए सरकार के पास ना कंधे हैं ना हमारे पास ये अहलियत है। अगर कोई चीज आपको दी जा सकती है तो वो एक एनवायरनमेंट, वो एक इकोसिस्टम, वो थोड़े से स्किल्स, और जिस तरह अभी तनवीर ने कहा ना कि ऐसे जो ये खानदार ने फोन करके कहा, इस वो तमाम चीजों से, मतलब ये तो बहुत छोटा इशू है, अभी तो FBR भी आएगा, अभी तो SECB भी आएगा, अभी तो वो क्या कहते हैं स्टेट बैंक वाले भी तंग करेंगे। हमें सिर्फ ये कोशिश करनी है कि आप वो एनवायरनमेंट दें कि आप कम से कम फल फूल सके अपनी स्किल्स की बेस के ऊपर। मुझे किसी ने पूछा, मैं शरकत तरीन साहब से मिलने गया, मैं कहा तरीन साहब आप स्टेट बैंक को कहें कि आपने 35% की रिटेंशन रखी हुई है डॉलर्स के ऊपर, कि जितना बाहर से आईटी कंपनीज मंगवाती हैं या फ्रीलांसर्स मंगवाते हैं उसका 35% आप रिटेन कर सकते हैं और बाकी 65% आपको पाक रुपीज में कन्वर्ट करना। तो तरीन साहब ने स्टेट बैंक के गवर्नर को कहा कि यार हम क्या इनकी गर्दन के ऊपर से हाथ नहीं उठा सकते, हम क्या इनको माफ नहीं कर सकते कि ये एक दफा फले फूले प्रॉस्पर कर जाए। ये माइंडसेट चाहिए कि हमें सिर्फ आपको आजाद छोड़ देना, हमें आपको तंग नहीं करना, बाकी आप खुद ही कर जाएंगे। दैट आई नो इट। अभी मैं उसे प्राइम मिनिस्टर साहब को बता रहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बड़े इसमें सरप्राइज हुए कि सर हमारी जो इन्वेस्टमेंट अब्रॉड पॉलिसी आई है जिसके नतीजे में इतने सारी वेंचर कैपिटल्स में पाकिस्तान पे इन्वेस्ट किया है कि 2013 से लेके 17 के दरमियान टोटल 14 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई थी पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद जब आपने ये पॉलिसी दी है सर, सिर्फ एक साल में 2021 की बात की मैंने कहा सर 36 करोड़ 40 लाख डॉलर आए सिर्फ आपने एक पॉलिसी अच्छी सी बना दी कि तुम पाकिस्तान में अपनी यहाँ पे ऑपरेशन कंपनी ऑफ कंपनी खोल लो और बाहर मुल्क से बाहर अपने होल्डिंग कंपनी खोल लो, और इन दोनों कंपनी की वजह से जो आपके बेहतरीन आइडियाज हैं वो दुनिया को जाके बेचो और वो आप इन्वेस्ट करेंगे। आज 80 मिलियन डॉलर एक छोटा सा बेहतरीन आइडिया आप में दुनिया इन्वेस्ट करने को तैयार है। इंडिया ने 1990 में अपनी आईटी पॉलिसी WTO में जाके साइन कर दी थी,
जब दुनिया आईटी को जानती नहीं थी, उस वक्त इंडिया ने 1990 में जाके डब्ल्यूटीओ का बायलैटरल नेगोशिएशन साइन कर दिया कि जो डब्ल्यूटीओ पॉलिसी बनाएगा आईटी पे, हम उसको एम्ब्रेस करेंगे। हमारे उस वक्त के हुक्मरानों ने कहा पता नहीं बला केड़ी आ गई सर। और आज ये दौर है कि एक फिगर के मुताबिक सऊदीया जितना तेल एक्सपोर्ट करता है उससे ज्यादा आईटी एक्सपोर्ट सर्विस 80 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट इस वक्त इंडिया की है, और हमारी कितनी है 2 अरब डॉलर। कहां 80 अरब डॉलर और कहां 2 अरब डॉलर। आई थिंक ये टाइम रियलाइज करने का है, और इससे बेहतर ना हुक्मरान आ सकता है जो इससे बेहतर सोच करेगा जितनी वो आपसे मोहब्बत करता है। और आई एम श्योर आज मैं इस जगह पे खड़ा हूं और प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद में सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत की वजह से है, आप लोगों की चाहत की वजह से। वरना वो जो पुरानी सोच वाले कहते थे कि इनको वोट कौन देगा, हमें हमारी औकात याद कराया करते थे, आप लोगों ने आके असल प्राइम मिनिस्टर का वो मोल डाला है। So I must appreciate कि अगर आज हमने आपको ट्रांसलेट ना करने दी, हमने आपको आज इंस्पायर ना किया, हमने आपको आज इन्फ्लुएंस ना किया कि इस पूरी हैगमिन, इस पूरी जो आपकी एक रिजीम है, इस पे अगर आप ग्रो ना करने दिया, हमसे बड़ा शायद जालिम भी कोई नहीं हो सकता। So I must appreciate हमारी जो मुल्तान की जो एक कल्चरल टैबूज है उस पर चादर चार दीवारी का बहुत बड़ा काम सकता है। मैंने उसे प्राइम मिनिस्टर को स्पीच में बताया था कि सर नॉर्मल कॉमर्स, नॉर्मल जो ट्रेड है, उसमें टोटल खवातीन की तादाद जो लेबर फोर्स है वो सिर्फ 3% है, जबकि ई कॉमर्स में जो हमारी वाली जो ट्रेड है इसमें हमारी खवातीन की तादाद 36% है, और इस वक्त पाकिस्तान में 30% खवातीन ना सिर्फ नई कंपनीज को ओन करती है या उसको मैनेज करती है, जो कि नॉर्मल कॉमर्स या ट्रेड में सिर्फ 1% है। सो जो हमारी खवातीन घर से बाहर नहीं आ सकती, हमारे जैसे माशरे में चाहे एक टैबू डेवलप है कि बाहर जाके कहीं नौकरी नहीं की जा सकती, उस चादर चार दीवारी का जो तहफ्फुज ई कॉमर्स की ट्रेड या हमारे फ्रीलांसर की ये जो एम्प्लॉयमेंट कर सकती है, शायद दुनिया की और कोई ट्रेड नहीं कर सकती। इसलिए मेरी बहनों और बेटियों के लिए भी शायद इससे बेहतर और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। मैं उस दिन नादिया को, अच्छा कोई आपको याद हो, नादिया को हमने उस दिन वो दिया था, एक शीट दी थी एप्रिसिएशन की। अब नादिया का ताल्लुक गिलगित से था, गिलगित हमजा से। मैंने उसको इंटरव्यू किया प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले कि तुम कितना पैसा बना लेती हो। अब मैं फिगर तो नहीं बता सकता, बाद में टैक्स वाले उस बेचारे के पीछे ना पड़ जाए, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए तो पीएम ने मुझसे पूछा कि ये बच्ची कौन। मैं कह सर गिलगित में रहने वाली, हमजा में रहती है, नकाब और चादर करती है और इतने पैसे कमा सकती है कि ना सिर्फ अपना घर चलाती है बल्कि अपने वालिद, अपने वालिद, अपने बहनों और भाइयों को भी खुद ब खुद उनकी रोजी रोटी का वसीला पैदा करती है। सो ये तो वो है, मैं तो समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में इस ट्रेड को थोड़ा सा और पुश किया जाए, आप लोगों को इनकरेज किया जाए, और खासतौर पर मेरी खवातीन, मेरी माओ बहनों, बेटियों को इनकरेज किया जाए, हम पाकिस्तान को दुनिया का, मुझे वो बार बार एक रटा करवाया था मेरे उस्ताद ने, उसने कहा जी हम अपने होम ग्रोन स्टार्टअप्स को पाकिस्तान से बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स पैदा कर सकते हैं। आई एम श्योर आप मेरी मेरे बहनों बेटियों में से भी एक दिन आप में से यूनिकॉर्न बनेगा। बिलियन डॉलर कंपनी बनाना कुछ भी नहीं, एक दिमाग और एक छोटी सी सलाहियत चाहिए, बाकी अल्लाह मालिक इंशाल्लाह। और वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया के ऊपर एक बड़ा एशियन टाइगर बनेगा और दुनिया इसको देखेगी और उस ख्वाब को भी तकमील करेंगे जिस ख्वाब को कायद आजम और इलाहाबाद ने देखा था, लेकिन जिसकी तकमील इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।